35,000 जो पॉलिटिशियंस है, जो अडानी अंबानी है, ये लोग तो मोदी दिखा रहे हैं, लेकिन जो असल में जो जनता जो सरकार वोट देकर जो भेजी है, वो जो जनता है वो दाने दाने को तरस रही है। बहुत सारे एजेंट 2,000 से लेकर 3,000 बीपीएल कार्ड गरीबों को लूटकर बीपीएल कार्ड दे रहे हैं। बातें तो बड़ी होती है लेकिन काम नहीं होता, तो सरकार को चाहिए चावल के साथ साथ गेहूं भी दे। This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarg. एक कहावत आप लोग जानते होंगे, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर बदक दाने दाने को तरस रहा है लेकिन कौवा मोती खा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अडानी अंबानी हैं, ये लोग तो मोती खा रहे हैं, लेकिन जो असल में जो जनता जो सरकार को वोट देकर जो भेजी है, वो जो जनता है वो दाने दाने को तरस रही है। यहाँ पर राशन में सिर्फ एक आदमी को 10 किलो राशन, ये चावल दिया जा रहा है, गेहूँ बंद किया गया और दूसरी चीजें भी बंद की गई है, और जो राशन जिनको दिया जा रहा है वो भी कभी कभी इस तरीके से दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पर सरकार से ये कहना चाहते हैं कि बातें तो बड़ी होती है लेकिन काम नहीं होता, तो सरकार को चाहिए चावल के साथ साथ गेहूं भी दे, और जो राशन के अंदर जो पिछली मर्तबा जो सरकारें दे रही थी उससे ज्यादा यहाँ पर देने की जरूरत है, ये हमारा डिमांड है। और साथ ही साथ जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 35,000 से ज्यादा बीपीएल कार्ड पेंडिंग है, उनको इमीडिएटली अप्रूवल दे और उनको वहां पर बीपीएल कार्ड दे। और बीपीएल कार्ड के तहत बहुत सारे यशस्विनी स्कीम्स हैं और भी बहुत सारे हेल्थ स्कीम्स दिए जाते थे लोगों को, ऑपरेशंस फ्री किए जाते थे, लेकिन जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हेल्थ स्कीम्स को नेशनलाइज किया है, जब से उन लोगों को वो स्कीम्स नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा डिमांड है हेल्थ स्कीम्स में भी पूरी स्कीम दिए जाए और रेशंस भी पूरे दिए जाए। इस डिमांड को लेकर आज हमने मेमोरेंडम पेश किया। आज एसडीपी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की जानिब से फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को एक मेमोरेंडम दिया गया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैंगलोर को, आरसी को, डीसी को आज एक मेमोरेंडम दिया गया है। तकरीबन 35,000 से ज़्यादा बीपीएल कार्ड एप्लीकेशंस पेंडिंग है बहुत सारे महीनों से। हम जब आवाम के बीच में जब गए, आवाम हमारे से जब इस इश्यूज़ को लेकर बात करने के बारे में और इस इश्यूज़ को उठाने के बारे में जब रिक्वेस्ट की, जब हम यहाँ पर आकर जब इंक्वायरी के मालूम पड़ा कि 35,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है, क्योंकि सबको मालूम है कि बीपीएल कार्ड की वैल्यू आज की डेट में क्या है। बीपीएल कार्ड एक वाहिद ऐसा एक कार्ड गवर्नमेंट का बन चुका है जिसमें फूड रेशन की जो स्कीम्स होते हैं, हेल्थ के जो स्कीम्स होते हैं, और तकरीबन गवर्नमेंट के जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स बीपीएल कार्ड के थ्रू ही मिलती है आवाम को। 35,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है, इसका मतलब 35,000 फैमिलीज को गवर्नमेंट के जो स्कीम्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, वो महरूम है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से हम लोगों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, आरसी को, डीसी को और डिप्टी डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज को आज मेमोरेंडम दिए हैं कि जल्द से जल्द ये जो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हैं इसको आप प्रोसेस करके इमीडिएटली इसको अवाम उन्नास तक पहुंचाने की काम करें। दूसरा मुतालबा ये है कि हमने सुना है कि बहुत सारे एजेंट्स 2,000 से लेकर 3,000 लेकर बीपीएल कार्ड गरीबों को लूट कर बीपीएल कार्ड दे रहे हैं। हम यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर साहब को ये चीज़ बताए हैं कि आप लोगों एजेंट्स के ऊपर कार्रवाई करना, तो उन्होंने भी कहा है कि पब्लिक अगर हमें उन एजेंट्स के बारे में अगर मालूमात करें तो हम उन ऐसे एजेंट्स के ऊपर एफआईआर करने के लिए हम आगे आएंगे, लेकिन पब्लिक ही हमारे पास आके कंप्लेंट नहीं दे रही, बल्कि बोल रही। तो आज हम मीडिया के माध्यम से आवाम को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी एजेंट्स जो 2,000-3,000 रुपये लेकर आवाम को ये बीपीएल कार्ड हम दिलाते हैं, उनका जो प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसे एजेंट्स का अगर इन्फॉर्मेशन है तो एसडीपीआई को भी दे सकते हैं, वरना जो मिनी विधान सदा जो फूड सिविल सप्लाईज जो डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठे हैं वो आपको कॉपरेट करेंगे ऐसे लोगों को एफआईआर दर्ज करने में।